नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का हमारा वीडियो बैचलर ऑफ़ पावलगढ़ के बारे में है। और बैचलर ऑफ़ पावलगढ़ एक टाइगर था जिसका सर जिम कॉर्बेट ने शिकार किया था। और दोस्तों ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बैचलर ऑफ़ पावलगढ़ अभी तक के इतिहास में भारत में सबसे बड़ा बाघ था और साइबेरियन टाइगर्स को भी ये देता था और उसे एक कदम आगे ही था। और इतिहास में यही बेचारा इकलौता ऐसा बाघ था जो सिर्फ अपने आकार की वजह से मार दिया गया। और हालांकि ये मैनीटर नहीं था लेकिन इसके आकार की वजह से ही इस बेचारे को मरना पड़ा। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं सर जिम कॉर्बेट के शब्दों में इस पूरी कहानी को। सर जिम कॉर्बेट कहते हैं, हमारे शीतकालीन घर से 3 मील दूर और जंगल के बीचों बीच लगभग 400 गज लंबा और आधा मील चौड़ा एक खुला हुआ मैदान है जो कि हरी घास से घिरा है और बड़े पेड़ों से घिरा है और जिनमें बेंत की लताएं लगी हुई हैं। और दोस्तों ये मैदान बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और मैंने पहली बार बाघ को देखा था जिसे पूरे यूनाइटेड प्रोविंस में बैचलर पावलगढ़ के नाम से जाना जाता था। और उस समय यूनाइटेड प्रोविंस में और लगभग पूरे भारत में सभी शिकारियों के बीच यह चलन था कि जो बाघ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते थे किसी भी वजह से वह उनका शिकार करते थे और उनके सिर को काटकर अपने घरों में लगाते थे और यह उनके रसूख का प्रतीक था और इसे खेल ट्रॉफी के रूप में लगाया जाता था उनके सिर को एक ट्रॉफी की तरह से। सर्दियों की एक सुबह सूरज अभी अभी उगा था जब मैं घास के मैदान की ओर देखने वाली ऊंची ज़मीन पर पहुंचा और दूर की तरफ एक दर्जन लाल जंगली पक्षी एक साफ़ सुथरी जलधारा के किनारे पत्तियों के बीच में बैठे थे और हरी घास पर बिखरे हुए लग रहे थे जो कि अब ओस से चमक रही थी। 50 से अधिक चीतल वहाँ पर चर रहे थे और एक पेड़ के तने पर बैठकर और सिगरेट पीते हुए मैं इस सब दृश्य को देख रहा था। और अचानक मेरे सबसे नज़दीक स्थित हिरन ने अपना सिर उठाया और मेरी दिशा में मुड़ा और कॉल की और बस एक पल के बाद ही बैचलर मेरे नीचे घनी झाड़ियों से खुले मैदान में आ गया और एक लंबे समय तक वह सिर ऊंचा करके आसपास के दृश्य का निरीक्षण करता रहा। फिर धीमे धीमे कदमों से घास के मैदान को उसने पार करना शुरू कर दिया और उसका फर बहुत घना था जो कि सूरज की रोशनी से रोशन हो रहा था और यह बहुत ही शानदार दृश्य था क्योंकि वह सिर को कभी दाईं और कभी बाईं ओर घुमाता था और फिर वह उस चौड़ी गली में चला गया जो हिरन ने उसके लिए बनाई थी और झरने के पास जाकर वह लेट गया और अपनी प्यास बुझाई। फिर छलांग लगाकर नदी को पार कर गया और जैसे ही वह घने वृक्षों के जंगल में पहुंचा उसने जंगल के जानवरों द्वारा दिए गए सम्मान के लिए जोर से दहाड़ लगाई क्योंकि जब से वह मैदान में दाखिल हुआ था हर चीतल ने कॉल की थी, हर जंगली पक्षी ने चहचहाट की थी और पेड़ों पर बंदरों के समूह में से हर एक ने आवाज़ की थी। उस सुबह बैचलर बहुत दूर था क्योंकि उस बाघ का घर 6 मील दूर एक खड्ड में था और वह बाघ एक ऐसे क्षेत्र में रहता था जहाँ शिकारी हाथियों की मदद से ज़्यादातर बाघों को पकड़ते थे और इस मामले में उसने अपना घर बहुत बुद्धिमानी से चुना था। पहाड़ी की तलहटी में फैला यह खड्ड लगभग आधा मील लंबा था जिसके दोनों ओर 1000 फीट की ऊंचाई तक खड़ी हुई पहाड़ियाँ थीं और खड्ड के ऊपरी सिरे पर लगभग 20 फीट ऊंचा एक झरना था और निचले सिरे पर जहां पानी लाल मिट्टी को चीरता हुआ आगे बहता था वह 4 फीट तक सिकुड़ गया था। इसलिए कोई भी शिकारी जो बैचलर का शिकार करना चाहता था उसे निश्चित रूप से पैदल ही उस खड्ड में जाना पड़ता था और यह उसका सुरक्षित ठिकाना था और क्योंकि उस समय रात में शिकार करने पर रोक लगी हुई थी और सरकारी नियम बना हुआ था और इस वजह से शिकारी बैचलर की खाल को अपने कब्जे में नहीं ले पाए थे, नाइट ट्रॉफी के रूप में उसके सिर को काट कर अपने घर में लगा पाए थे और भैंस के चारे की सहायता से उसे पकड़ने के कई और बार बार किए गए प्रयासों के बावजूद बैचलर को पकड़ा नहीं जा सका। और दोस्तों उस बाघ को बैचलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका कोई पार्टनर नहीं था और वह बेचारा कुंवारा ही मारा गया था। आगे सर जिम कॉर्बेट अपनी बुक मैनीटर्स ऑफ कुमायूं में लिखते हैं, उस पर कभी गोली नहीं चलाई गई और हालांकि दो मौक़ों पर जहां तक मेरी जानकारी है वो बाल बाल बच गया था। पहले अवसर पर एकदम सही जानकारी के बाद एक रस्सी जिसके द्वारा मचान को लटकाया गया था उसने महत्वपूर्ण क्षण में फ्रेड एंडरसन की राइफल की गति में बाधा उत्पन्न कर दी थी।
और दूसरे अवसर पर बैचलर तब बचकर निकल गया जब शिकार के लिए मचान पर बिल्कुल तैयार ह्यू शेडी अपना पाइप भरते हुए रह गए। और इन दोनों अवसरों पर ही और उसे कुछ फिट की दूरी से देखा गया था। एंडरसन ने उसे काफ़ी बड़ा बताया और एडी ने उसे एक गधे के आकार का बाघ बताया। इसके बाद भी कई प्रयास हुए जो कि असफल रहे। और मैं अपने कमिश्नर विंडहैम को, जो भारत में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बाघों के बारे में सबसे अधिक जानते थे और शायद बाघ भी उतना ना जानते हों इतना अधिक वह जानते थे, उस खड्ड के ऊपरी छोर पर स्थित फायर ट्रैक पर ले गया जहाँ कि वे बैचलर रहता था, ताकि उन्हें बाघ के ताज़ा पैरों के निशान दिखा सकूं जो मैंने उस सुबह फायर ट्रैक पर देखे थे। विंडहैम के साथ उनके दो सबसे अनुभवी शिकारी भी थे और जब उन तीनों ने सावधानीपूर्वक उसके पैरों के निशानों को मापा तो विंडहैम ने कहा कि उनके विचार में बाघ 10 फिट लंबाई का है, जबकि एक शिकारी ने कहा कि वह 10 फिट 5 इंच की लंबाई का है और दूसरे ने कहा कि वह 10 फिट 6 इंच का या उससे थोड़ा अधिक है। तीनों ने सहमति व्यक्त की कि उन्होंने इससे पहले कभी इतने बड़े बाघ के पैरों के निशान नहीं देखे थे। और 1930 में वन विभाग ने बैचलर के ठिकाने के आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कटाई शुरू कर दी जहां वह रहता था, और इससे बहुत परेशान होकर उस बाघ ने अपना ठिकाना बदल लिया। और यह बात मुझे दो खिलाड़ियों से पता चली जिन्होंने बाघ का शिकार करने के उद्देश्य से शूटिंग के पास लिए थे, और शूटिंग पास केवल प्रत्येक महीने के 15 दिन जारी किए जाते थे। और उस पूरी सर्दियों में शूटिंग पार्टी के सभी शिकारियों का बाघ से संपर्क नहीं हो पाया और वे विफल रहे। और सर्दियों के अंत में एक बूढ़ा डाक धावक जो कि एक गांव से दूसरे गांव में डाक पहुंचाया करता था, जो जंगल के रास्ते एक पहाड़ी गांव में अपनी 7 मील की दौड़ के दौरान हर सुबह और शाम हमारे गेट से गुजरता था, एक शाम मेरे पास आया और बताया कि उस सुबह बाहर निकलते समय उसने बाघ के बहुत बड़े पैरों के निशान देखे थे। उन्होंने बताया कि बाघ पश्चिम दिशा से आया था और 200 गज की दूरी तक सड़क पर चलने के बाद बादाम के पेड़ के पास से शुरू होने वाले रास्ते से पूर्व दिशा की ओर चला गया था। यह पेड़ हमारे घर से लगभग 2 मील की दूरी पर था और एक बहुत ही प्रसिद्ध ये जगह थी, और बाघ ने जिस रास्ते से यात्रा की थी वह आधे मील तक घने जंगल से होकर गुजरता था और फिर एक बहुत ही विस्तृत जलमार्ग को पार करता है और फिर एक ऐसे रास्ते से जुड़ता है जहां मवेशियों का आना जाना होता है और जो पहाड़ियों के तलहटी से होकर एक गहरी और जंगल वाली घाटी में प्रवेश करता है जो कि बाघों का पसंदीदा निवास स्थान है। अगली सुबह मैं अपने कुत्ते रॉबिन को अपने पीछे पीछे लेकर खोजबीन के लिए निकल पड़ा और मेरा लक्ष्य वह स्थान था जहाँ से मवेशियों का रास्ता घाटी में प्रवेश करता था, क्योंकि इस स्थान पर घाटी में प्रवेश करने वाले या घाटी से निकलने वाले सभी जानवरों के पदचिन्ह पाए जाते हैं। जब से हमने चलना शुरू किया रॉबिन को ऐसा लगा कि हमें एक विशेष काम करना है, और उसने हमारे द्वारा परेशान किए गए जंगली पक्षियों, काकड़ जो कि भौंकने वाला हिरन होता है, उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जो हमें उसके काफ़ी करीब आने देते थे, और दो सांवर जो खड़े होकर हमारी ओर कॉलिंग कर रहे थे जहाँ मवेशियों का मार्ग घाटी में प्रवेश करता था। वहाँ की ज़मीन कठोर और पथरीली थी और जब हम इस स्थान पर पहुँचे तो रॉबिन ने अपना सिर नीचे किया और बहुत सावधानी से पत्थरों को सूंघा, और जब मेरे द्वारा उसे आगे बढ़ने का संकेत मिला तो वह मुड़ा और मुझसे 1 गज आगे रहते हुए उस रास्ते पर चल पड़ा। और मैं उसके व्यवहार से बता सकता था कि उसे बाघ की गंध आ रही थी, और वह गंध बहुत तेज थी। और 100 गज आगे जहाँ मार्ग एकदम समतल हो जाता है और पहाड़ी के तल के साथ चलता है, वहाँ की ज़मीन बहुत ही नरम है, और यहाँ मैंने एक बाघ के पैरों के निशान देखे और उन्हें देखकर मुझे संतुष्टि हुई कि हम बैचलर के ठीक पीछे थे और वह हमसे केवल 1 या 2 मिनट ही आगे था। नरम ज़मीन के पार रास्ता पत्थरों के ऊपर से 300 गज तक जाता है, फिर एक खुले मैदान में उतरता है। अगर बाघ इसी रास्ते पर चलता रहा तो हम उसे शायद इस खुले मैदान में देख सकते हैं। और हम 50 गज और आगे बढ़ चुके थे जब रॉबिन रुक गया और रास्ते के बाईं ओर घास के एक पत्ते पर अपनी नाक ऊपर नीचे चलाने के बाद मुड़ गया और घास में घुस गया। और यहाँ घास लगभग 2 फीट ऊंची थी
और घास के दूर किनारे पर लगभग 40 गज चौड़ा क्लेरोडेंड्रॉन का एक टुकड़ा था। और यह एक पौधा होता है जो 5 फीट की ऊंचाई तक घने टुकड़ों में उगता है, और इसके पत्ते दूर दूर तक फैले होते हैं, और फूलों का एक बड़ा सिर होता है जो हॉर्स चेस्टनट जैसा ही होता है। और यह बाघ, सांबर और जंगली सुअर को बहुत पसंद आता है क्योंकि यह छाया देता है। जब रॉबिन क्लेरोडेंड्रॉन के पास पहुंचा तो वह रुक गया और मेरी ओर पीछे हट गया। इस तरह से वह मुझे बता रहा था कि वह आगे की झाड़ियों में नहीं देख सकता है और चाहता है कि मैं उसे उठा लूं। और मैंने उसे उठाकर उसके पिछले पैरों को अपने बाएं हाथ की जेब में डाल दिया, और जब उसने अपने अगले पैरों को मेरे बाएं हाथ पर फंसा लिया तो वह एकदम सुरक्षित था मेरी गोद में, और मेरे दोनों हाथ राइफल के लिए खाली थे। इन मौक़ों पर रॉबिन हमेशा पूरी तरह से गंभीर रहता था, और चाहे उसने जो भी देखा हो या हमारे शिकार ने गोली चलाने से पहले या बाद में कैसा भी व्यवहार किया हो, वह कभी हिलता नहीं था और मेरी गोली को बर्बाद भी नहीं होने देता था, और मेरे देखने की क्षमता को भी वह प्रभावित नहीं करता था। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम क्लेरोडेंड्रॉन के बीच से आधे रास्ते पर पहुंच चुके थे जब मैंने देखा कि हमारे ठीक सामने झाड़ियां हिल रही थीं। और जब तक बाघ झाड़ियों को साफ़ नहीं कर देता तब तक प्रतीक्षा करते हुए मैं उसे कमोबेश खुले जंगल में देखने की उम्मीद में आगे बढ़ा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। और जब मैंने रॉबिन को नीचे उतारा तो वह बाईं ओर मुड़ गया और संकेत दिया कि बाघ पास की ही एक गहरी और सकरी खाई में चला गया है। और यह खाई एक सुनसान पहाड़ी के तल तक जाती थी, और यहाँ बाघों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गुफाएं थीं। और चूंकि मेरे पास बाघ से नज़दीक से निपटने के लिए हथियार नहीं थे, और आगे चूंकि नाश्ते का समय भी हो गया था, इसलिए रॉबिन और मैं मुड़े और घर की ओर चल पड़े। और नाश्ते के बाद मैं अकेले ही लौटा और मेरे पास एक भारी राइफ़ल थी। और जैसे ही मैं पहाड़ी के पास पहुंचा, जिसे बहुत पहले के दिनों में स्थानीय निवासियों द्वारा कुछ आक्रमणकारियों के खिलाफ एक रैली के स्थान के रूप में इस्तेमाल किया गया था, मैंने एक बड़ी भैंस की घंटी की आवाज़ सुनी। और एक आदमी चिल्ला रहा था। ये आवाज़ें पहाड़ी की चोटी से आ रही थीं, जो कि समतल है और लगभग आधा एकड़ में फैली हुई है, इसलिए मैं ऊपर चढ़ गया और एक आदमी को पेड़ पर देखा जो अपनी कुल्हाड़ी के सिरे से एक सूखी शाखा पर वार कर रहा था और चिल्ला रहा था, जबकि पेड़ के नीचे कई भैंसें इकट्ठी थीं। जब उसने मुझे देखा तो उस आदमी ने आवाज़ लगाई और कहा कि मैं अभी अभी आया हूँ। अब उसे और उसकी भैंसों को एक शैतान बाघ से बचाने का समय आ गया था। जो बाघ लगभग ऊँट के आकार का था और घंटों से उन्हें धमका रहा था। उसकी कहानी से मुझे पता चला कि वह रॉबिन और मेरे घर के लिए निकलने के कुछ ही समय बाद पहाड़ी पर आ गया था। और जब वह अपनी भैंसों के लिए बांस की पत्तियां काटने लगा तो उसने देखा कि एक बाघ उसकी ओर आ रहा है, और वह बाघ को भगाने के लिए ज़ोर से चिल्लाया। लेकिन जैसा कि पहले भी वह कई मौक़ों पर बाघों को इस तरह से भगा चुका था, लेकिन यह बाघ भागाने और भागने की बजाय कुर्राने लगा। वह भागा और उसके पीछे उसकी भैंसें भी भागीं, और यह आदमी सबसे नज़दीक के पेड़ पर चढ़ गया। बाघ ने उसकी चीखों पर ध्यान न देते हुए इधर उधर चक्कर लगाना शुरू कर दिया, जबकि भैंसें अपना सिर उसकी ओर रखे हुई थीं। शायद बाघ ने मुझे आते हुए सुन लिया था, क्योंकि मेरे पहुँचने से कुछ ही पल पहले वह वहाँ से चला गया था। वह आदमी मेरा पुराना दोस्त था, जिसने अपने गांव के मुखिया से झगड़ा करने से पहले उसी मुखिया की बंदूक से इन जंगलों में काफ़ी शिकार किया था। और अब उसने मुझसे विनती की कि मैं उसे और उसके मवेशियों को जंगल से सुरक्षित बाहर ले जाऊं। इसलिए मैंने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। मैंने पीछे पीछे जाकर देखा कि कोई पीछे पीछे तो नहीं आ रहा है, और हम उस खुले मैदान के आधे रास्ते पर पहुंच चुके थे जिसका मैंने जिक्र किया है। तभी जंगल में हमारे दाईं ओर बाघ ने आवाज़ लगाई। उस आदमी ने अपनी गति तेज़ कर दी और मैंने भैंसों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि हमारे और चौड़े खुले जलमार्ग के बीच 1 मील का बहुत घना जंगल था, जिसके आगे मेरे दोस्त का गांव था और वहां उसकी भैंसों के लिए सुरक्षा हो सकती थी। और मैंने जानवरों को मारने की अपेक्षा उनकी तस्वीरें लेने में अधिक रुचि रखी है, और इसी वजह से मुझे प्रतिष्ठा भी मिली। और जाने से पहले मेरे मित्र ने मुझसे विनती की कि मैं इस बार फोटोग्राफी ना करूं और बाघ को मार डालूं, जो उसके अनुसार इतना बड़ा है कि एक दिन में एक भैंस को पूरा खा सकता है और 25 दिनों में तो उसकी सारी भैंसों को खा जाएगा।
मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वायदा किया अपने मित्र से और खुले मैदान की ओर अपने कदम वापस खींच लिए। एक ऐसे अनुभव से मिलने के लिए जिसका हर विवरण मेरे दिल में गहराई तक बैठ गया है, और मैदान में पहुंचकर मैं बाघ के आने का इंतज़ार करने बैठ गया। मुझे वहां बैठे हुए काफ़ी समय हो गया और फिर मैंने सोचा कि मैं जंगल के लोगों से कहूं कि वह मुझे बताएं कि उन्होंने कहां बाघ देखा है। तब लगभग 3 बजे थे और मौसम गर्म था और आरामदायक था। मैंने अपना सिर अपने घुटनों पर टिका लिया और कुछ मिनटों तक झपकी लेता रहा जब तक कि बाघ की आवाज़ से मैं जग नहीं गया, और उसके बाद वह थोड़े थोड़े अंतराल पर आवाज़ लगाता रहा। मैदान और पहाड़ियों के बीच लगभग आधा मील चौड़ा एक बेल्ट है जो 100 मील के घेरे में सबसे घना झाड़ीदार जंगल है, और मैंने देखा कि बाघ मुझसे लगभग 3/4 मील दूर झाड़ियों के दूर पहाड़ियों पर था, और जिस तरह से वह आवाज़ लगा रहा था उससे यह स्पष्ट था कि वह एक साथी की तलाश में था। और मैदान के ऊपरी बाएं कोने से शुरू होकर जहां मैं बैठा था उसके करीब एक पुरानी गाड़ी की पटरी थी जिसका इस्तेमाल कुछ साल पहले तक लकड़ी निकालने के लिए किया जाता था, जो बाघ की आवाज़ की सीधी रेखा में थी, और यह पटरी मुझे आवाज़ देने वाले जानवर की दिशा में ले जाती थी। लेकिन पहाड़ियों पर ऊंची घास थी और रॉबिन की मदद के बिना उसे देखने की मेरी संभावना बहुत कम थी, इसलिए बाघ की तलाश में जाने की बजाय मैंने फैसला किया कि बाघ ही आकर मुझे ढूंढे। और मैं इतनी दूर था कि वह मुझे सुन नहीं सकता था, इसलिए मैं कुछ 100 गज तक गाड़ी की पटरी पर दौड़ा, अपनी राइफल रखी और एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और 3 बार आवाज़ लगाई। बाघ ने तुरंत वापस मुझे आवाज़ दी और नीचे उतरने के बाद मैं वापस भागा आवाज़ लगाता हुआ और बिना किसी उपयुक्त जगह के उस मैदान पर पहुंच गया जहां बैठकर बाघ का इंतज़ार किया जा सके। कुछ ना कुछ तो करना ही था और जल्दी से करना था क्योंकि बाघ मेरे करीब तेज़ी से आ रहा था, इसलिए मैंने एक छोटे से गड्ढे को खाली किया जिसमें मुझे काला बदबूदार पानी मिला और मैं वहीं खुले में लेट गया। और उस जगह से 20 गज की दूरी पर जहाँ से ट्रैक झाड़ियों में घुसा था, इस बिंदु से मुझे 50 गज तक ट्रैक का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था कि जहाँ एक झाड़ी झुकी हुई थी जो मेरे आगे के दृश्य को बाधित कर रही थी। अगर बाघ ट्रैक से नीचे आया जैसा कि मैंने उम्मीद की थी तो मैंने तय किया कि जैसे ही वह उस अवरोध को पार करेगा मैं उस पर गोली चला दूंगा, और यह सुनिश्चित करने के लिए राइफल भरी हुई है उसे खोलने के बाद मैंने सेफ्टी कैच को हटा दिया और कोहनियों को नरम ज़मीन पर टिकाकर बाघ के आने का इंतज़ार करने लगा। मैदान पर आने के बाद से मैंने उसे आवाज़ नहीं दी क्योंकि उसे दिशा दिखाने के लिए अब मैंने धीमी आवाज़ में आवाज़ दी, और जिसका उसने 100 गज की दूरी से तुरंत जवाब दिया। अगर वह अपनी सामान्य गति से आता तो मुझे लगता था कि वह 30 सेकंड में बाधा को पार करके वहाँ तक आ सकता था जहाँ कि मैं था, और मैंने यह संख्या बहुत धीरे धीरे अपने मन में गिनते हुए 80 तक गिनती की जब मैंने आँख के कोने से अपने दाहिने सामने एक हलचल देखी जहाँ झाड़ियाँ मुझसे 10 गज की दूरी पर थीं, और उस दिशा में अपनी आँख घुमाते हुए मैंने झाड़ियों के ऊपर एक बड़ा सिर देखा जो यहाँ 4 फीट ऊंची थी, और बाघ झाड़ियों के अंदर सिर्फ 1 या 2 फीट की दूरी पर था मुझसे, लेकिन मैं सिर्फ उसका सिर देख पा रहा था। जब मैंने बहुत धीरे से राइफल की नोक घुमाई और अपनी नज़रें निशाने पर घुमाई तो मैंने देखा कि उसका सिर मेरी तरफ बिल्कुल सीधा नहीं था, और जब मैं ऊपर की ओर फायर कर रहा था तो वह नीचे देख रहा था, तो मैंने उसकी दाहिनी आँख से 1 इंच नीचे निशाना साधा और ट्रिगर दबाया, और अगले आधे घंटे तक मैं भय से डरता रहा और मरता रहा। और जैसा कि मैंने सोचा था बाघ तुरंत मरा नहीं, बल्कि मरने की बजाय झाड़ियों के ऊपर से हवा में अपनी पूरी लंबाई तक सीधा चला गया और पीछे की ओर एक पेड़ पर जा गिरा जो लगभग 1 फीट मोटा था और तूफान में गिर गया था और अभी भी हरा था, और अविश्वसनीय क्रोध के साथ उसने इस पेड़ पर हमला किया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। ऐसा करते समय वह लगातार दहाड़ रहा था, इससे भी बदतर एक भयानक खून जमा देने वाली आवाज़ निकल रहा था कि अपने सबसे बड़े दुश्मन पर जैसे कि हमला कर रहा हो, और पेड़ की शाखाएं इधर उधर हिल रही थीं जैसे कि कोई पवंडर आ गया हो, जबकि मेरी तरफ की झाड़ियां हिल रही थीं और बाहर निकल रही थीं, और हर पल मुझे उम्मीद थी कि बस वह अब मेरे ऊपर होगा,
क्योंकि जब मैंने गोली चलाई थी तो बाघ ने मुझे देख लिया था और वह जानता था कि मैं कहाँ हूँ। और मैं इतना डरा हुआ था कि राइफ़ल को रिचार्ज भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं हल्की सी हलचल और आवाज़ बाघ का ध्यान आकर्षित न कर ले। 5 घंटे तक लेटा रहा और पसीना बहाता रहा और मेरी उंगली ट्रिगर पर थी। आखिरकार पेड़ और झाड़ियों की शाखाएं हिलना बंद हो गईं और दहाड़ना कम हो गया। तो दोस्तों, बैचलर ऑफ पावलगढ़ के फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही, और इसकी आगे की कहानी के लिए आप सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। बहुत ही थ्रिलिंग स्टोरी है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।